अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 में क्या क्रैम करना है, क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस किस एरिया की और किसको न्यूमेरिकली तैयार करना है, ये बात करने के लिए वीडियो बनाई है। अब शुरू करते हैं सर। सबसे पहले बात करते हैं हम, सर ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, इसको याद नहीं करना, डेफिनेशन स्कोप है कि आना क्या क्या चाहिए। अंडरस्टैंडिंग है, सारी अंडरस्टैंडिंग है, ये वाला एरिया अंडरस्टैंडिंग है, ये वाला एरिया अंडरस्टैंडिंग है। न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट है, रट्टा नहीं लगाना, न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग, न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, रट्टा नहीं लगाना। टर्मिनेशन बेनिफिट का रूल पिछले 3 साल की एवरेज है, न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट। सर इसकी केस स्टडी आ सकती है, वैसे न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट है, क्रैमिंग वाला नहीं है। सर टैक्स फ्री सैलरी न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट है। सर जी अमाउंट और परक्विजिट व्हेन ट्रीटेड रिसीव्ड अंडरस्टैंडिंग, कन्वेंस न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट, अकोमोडेशन न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट, यूटिलिटीज, ये वाले एरिया सारे न्यूमेरिकल्स हैं सर। ये बेसिकली इंटरेस्ट फ्री सैलरी है, ऑब्लिगेशन वेवर सेटलमेंट, सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट है, सारा न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट है। आगे आ जाते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट। ये जो इसकी एक्सेप्शन है इसको क्रैम कीजिए। पेंशन की टैक्सेबिलिटी क्या होती है, न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट है लेकिन क्रैम भी होना चाहिए। ये सर न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट है, पी फंड तो कंफर्म न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट है, बेनेवोलेंट फंड ये सारा न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट है, मेडिकल अलाउंस न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकली लीव इन कैश में, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, सी फेयर, सर ये सारे न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट है। टैक्स रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट है, सैलरी अर्नड आउटसाइड पाकिस्तान फॉरेन सोर्स सैलरी न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट, एम्प्लॉय शेयर स्कीम भी पूरे का पूरा न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में अगर मैं कंक्लूड करूँ तो फिर रट्टा लगाने वाली चीज़ तो ना होने के बराबर भी, जो सिर्फ क्रैम करना है वो क्या करना है, यानी अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी की एक्सेप्शन से एक बात कही आपको, और दूसरे नंबर पे ये रिलीफ इसका भी न्यूमेरिकल पिछले ट्रेंड में आया है तो न्यूमेरिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी इस चैप्टर को देख लें आप, पूरा मैंने सारा आपको ओवरव्यू दे दिया है। ये चैप्टर न्यूमेरिकली सुपर इम्पोर्टेंट है और थ्योरेटिकली उतना इम्पोर्टेंट, रट्टा लगाने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्रैमिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग उर्दू में पूरा चैप्टर आपको ये समझ होनी चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही था, थैंक यू।